हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो इतने भी इसरो में काम करने वाले कर्मचारी या फिर वैज्ञानिक लोग हैं, छोटे बड़े सभी का वेतन कितना होता है। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल घूम रहा होगा कि कितना वेतन इनको मिलता है, तो चलिए जानते हैं आज इस छोटे से स्लाइड के माध्यम से। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर मैं आपको बताता चलूँ, वर्तमान समय में चंद्रयान 3 को लेकर भारत का अपने आप में पूरे संसार में एक नाम, एक छवि बनी हुई है और सभी की नज़र इस समय भारत पर है। तो दोस्तों, ऐसे हालात में अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसरो में जितने भी लोग काम करते हैं तो उनकी तनख्वाह कितनी होगी, उनकी सैलरी कितनी होगी, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि हर विभाग में अलग अलग कहीं ना कहीं काम करने वाले कर्मचारी लोग तो होते ही हैं, हर विभाग का ऐसा ही होता है दोस्तों। तो अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो में भी अलग अलग विभागों में कई स्तरों पर लोग काम करते हैं, जिसके हिसाब से उन्हें सैलरी मिलती है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हम इसरो में काम करने वाले इंजीनियरों के वेतनों की बात करें तो जितने भी वहाँ पर इंजीनियरिंग काम करते हैं, अगर हम उनके वेतन की बात करें तो दोस्तों, जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, इसरो में काम करने वाले इंजीनियरों को 37,400 से लेकर 67,000 तक सैलरी मिलती है। हालांकि दोस्तों, जो भी ग्रेड होता है उसके बेस पर इस सैलरी को बढ़ाया जा सकता है ना। तो ये तो हर विभाग में अलग अलग होता है कि ग्रेड के हिसाब से यहाँ पर सैलरी को इंक्रीज किया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो इंजीनियर स्टार्टिंग में जो बनते हैं उनका वेतन यहाँ पर इसके बीच में होता है। तो चलिए दोस्तों, अगले समझते हैं इसके आगे अगर हम सीनियर साइंटिस्ट की बात करें, मतलब अगर वहाँ पर आप काम करते हैं या आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कुछ समय बाद धीरे धीरे जो है वहाँ पर साइंटिस्ट यानी कि सीनियर विभाग में अगर आप वहाँ पर जॉब कर रहे हो तो आपका जो वेतन है वो 75 से लेकर के 80,000 तक। और इसी के साथ ही दोस्तों, अगर हम आपको बता दें कि अन्य यहाँ पर जो सेवा के साथ आवास वगैरह की भी बात होती है, तो इस तरह की अन्य सुविधा भी यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि सीनियर साइंटिस्ट को यहाँ पर 75 से 80,000 वेतन मिलता है। अगर हम इसके अदर साइंटिस्ट की बात करें जो इस सभी चीज़ों को जो है देखते हैं, तो अगर हम उनके वेतन की बात करें यानी कि अनुभव यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यहाँ पर जो सैलरी हो जाती है दोस्तों वो 2,00,000 से भी अधिक हो जाती है। अगर हम यहाँ पर इसके हाईएस्ट वैल्यू की यहाँ पर बात करें तो 3,00,000 हो सकती है। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों, परिवार की जो अन्य सुविधाएँ होती है वो भी यहाँ पर दी जाती हैं। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि साइंटिस्ट का भी अलग अलग यहाँ पर लेवल होता है। जैसे जैसे अनुभव होता जाता है कार्य करने का, उसी बेस पर सैलरी भी यहाँ पर दोस्तों इंक्रीज होती रहती है। अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट की, तो दोस्तों उनकी जो सैलरी होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है। भले ही वहाँ पर ये स्टार्टिंग में हो, लेकिन इनको अनुभव के बेस पर भी यहाँ पर सैलरी लगभग 1.82 से स्टार्ट होती है, और बाद में इनकी सैलरी जो है न्यूनतम की अगर हम बात करें तो 1.44 यानी कि 1,44,000 के आसपास यहाँ पर स्टार्टिंग में सैलरी होता है। और वही अन्य सुविधाओं भी इनको जो है मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और इस तरह की और भी जानकारी मुझसे लेना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, धन्यवाद।